साल आप क्या लोगों से वार्ता की, समस्याएं जानी, क्या कुछ था एक साल में? ये आप सब जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार को दोबारा शपथ लेने के बाद आज एक वर्ष पूर्ण हुआ है और इस एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपदों में है। लखनऊ में प्रेस वार्ता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया और प्रदेश प्रभारी मंत्री को अपने अपने जनपद में पत्रकार वार्ता करनी। उसी क्रम में मैं आज भी यहाँ आया था। हमने जो हमारी प्रतिबद्धता थी एक साल पहले जब हम दोबारा जनता की अदालत में गए थे तो हमने अपनी 25 करोड़ जनता से जितने वायदे किए थे उन सब वादों पर हम खरा उतर सकें और इन एक वर्ष के अंदर और विगत 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के सामने जो 17 से पहले पहचान का संकट खड़ा हो गया था उस उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने का काम, उत्तर प्रदेश के बारे में देश के जनमानस के अंदर जो परसेप्शन बन गया था उस परसेप्शन को बदलने का काम, इस उत्तर प्रदेश के नौजवान का देश के किसी दूसरे राज्य में जाने के बाद पहचान का संकट खड़ा हो गया था, इस उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, इस उत्तर प्रदेश के अंदर किन्हीं भी सरकारी योजनाओं का लाभ उसके उचित पात्रों को नहीं मिलता था, प्रदेश के अंदर यदि विद्युत आपूर्ति की बात करें और VIP कल्चर जो डेवलप हो गई थी मात्र 5 जनपदों के अंदर जो प्रदेश की जनता को समेट के रख दिया गया था, उन सब चीज़ों को पलटते हुए 6 साल के अंदर प्रदेश की जनता के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता के अंदर सरकार ने संगठन के माध्यम से विश्वास कायम करने का काम किया है। उन्हीं 6 वर्ष की अपनी उपलब्धि और विगत 1 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों के लिए आज हमने इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। सारी समस्याओं से आपका अवगत कराया गया है, काल से लेकर महिला सशक्तिकरण, कब तक उम्मीद करें कि वो धरातल पर आएंगे? मैंने कहा ना कि मैं कल जिस अस्पताल का दौरा करने गया था वहाँ पर जितने मरीजों से जितने लोगों से मैंने बातचीत करी किसी ने भी मेरे अस्पताल के स्टाफ की सरकार की किसी भी चीज़ की बुराई नहीं, सबने तारीफ की प्रशंसा की, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार अच्छे से काम कर रही है और जब इतने बड़े सिस्टम में काम करते हैं तो एक दो खामियां कुछ रह जाती हैं, उनको दूर करने के लिए मैंने वहाँ के मेडिकल स्टाफ को वहाँ के CMO और CMS को मैंने निर्देशित किया है हम जल्द उन कमियों को दूर करें। मंत्री जी कई बार देखा जाता है जिला अस्पताल में समस्या कोई केस आता है तो उस पीरियड में वो ये कह के टाल देते हैं कि यहाँ पर ICU नहीं है, उसकी व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश सरकार? बहुत जल्द उसको नई बिल्डिंग में हम शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, कल मैंने उसको डिस्कस किया है विभाग के अधिकारियों के साथ भी डिस्कस किया है, जैसे ही वो दूर हो जाएगा वो समस्या भी दूर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर निरस्त हुई, लेकिन जिस आधार पर उनकी सदस्यता निरस्त हुई मेरा ये मानना है क्योंकि राहुल गांधी जी जिस परिवार में जन्मे हैं देश के सत्ता पर उन्होंने लंबे समय तक उनके परिवार ने राज किया है, वो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए और अब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर एक पिछड़े समाज का व्यक्ति इतने लंबे समय से बैठकर जिस देश के सामने उन्होंने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था आज विश्व के अंदर वो विश्व का सबसे प्रख्यात नेता बनकर के उनके सामने उभरा है। मैं आग्रह करता हूं राहुल गांधी जी से, उन्होंने देश के पिछड़े समाज का पिछड़े वर्ग का जो अपमान किया है एक जाति विशेष का शब्द लेकर के, उनको पूरे पिछड़े वर्ग भारत के पिछड़े समाज से माफी मांगनी चाहिए और विदेश के अंदर जो भारत की छवि को खराब करने का काम किया है उस छवि को खराब करने का काम देश की 125 करोड़ से ज्यादा संख्या जनसंख्या वाले देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। यादव दौरे पे थे, उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाए ऐसा है कि अखिलेश यादव जी के परिवार का क्या इतिहास रहा है आप उससे ज्यादा जानते हैं और अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल के अंदर कितनी कानून व्यवस्था की धज्जियां उन्होंने उड़ाई है इसकी थोड़ी सी पहले एक बार आकलन कर ले। वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो अखिलेश यादव जी के राज में पीटी जाती थी, आज यही उत्तर प्रदेश पुलिस माफियाओं को उनके घर में जाकर के सही निर्णय लेकर के जो उनकी सजा है वो देने का काम करती है और इस उत्तर प्रदेश पुलिस के मुझे गर्व है अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जिसने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश बनाने में हमारा सहयोग इरफान सोलंकी के बारे में उन्होंने कहा कि जो करवा रहे हैं भाजपा जानबूझ से करवा रही है। ऐसा है ना कि कहावत है कि सोचूं खा करके बिल्ली हज को चली,
मैंने कहा ना आपको कि उनके पुराना पारिवारिक इतिहास जरा पढ़ लीजिए और उनके दल में कितने लोग किस किस तरह से हैं उनका एक इतिहास जान लीजिए, चाहे वो इरफान सोलंकी हो। अभी सदन के अंदर उन्होंने प्रयागराज की घटना पर सवाल खड़ा किया था, मेरे मुख्यमंत्री जी ने वहां जवाब दिया था कि आप सब लोग भी जानते हैं कि जिस माफिया की चर्चा, जिस माफिया के द्वारा राजूपाल की हत्या की गई थी, उसका सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी के माध्यम से वो विधायक बना, सांसद बना, और वो एक तरफ गुंडों को पल्लवित पुष्पित करते हैं और फिर सदन के अंदर नौटंकी करते हैं कि हम सदन के अंदर अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे।